हरियाणा की हॉट लोकसभा सीटों में शुमार हिसार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चौटाला खानदान के 3 सदस्यों के मैदान में उतरने से यहां की चुनावी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला यहां जेजेपी से उम्मीदवार हैं। दुष्यंत खुद अपनी मां के प्रचार में जमकर पसीना बहा रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने शहर में 20 से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर चुनाव प्रचार किया और मां नैना चौटाला के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान उनके निशाने पर 2019 में यहां से बीजेपी के टिकट पर जीते ब्रजेंद्र सिंह भी रहे। दुष्यंत ने लोगों के सामने 5 साल के उनके कार्यकाल में हुए कार्यों को भी गिनाया। और लोकसभा के आप चुनाव में श्रीमती नैना चौटाला जी जननायक जनता पार्टी की प्रत्याशी है और आपसे आग्रह और अपील है कि सभी मिलकर आगामी 25 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में डालकर हिसार की जनता को एक आवाज पार्लियामेंट में दोबारा देने का काम। साथियों, 5 साल मैं भी आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ, 5 साल विजेंद्र जी भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। राष्ट्रीय पार्टियों के जब विषय आते हैं तो आपने देखा होगा किस तरीके से गूंगे बहरे बन के ये लोग अपनी बातों को पार्लियामेंट में रखना भूल जाते हैं। जो पार्टी आदेश देती है उसी नियंत्रण में ये अपने काम को चलाते हैं। भाई, जब मुझे अवसर मिला था तो छोटे से बड़े विषय को पार्लियामेंट में हमने उठाया भी, निरंतर रखा भी और उसका लाभ भी मिला। हिसार के अंदर चाहे वो फाटक मुक्त हिसार का प्रयास हो, मेरे ख्याल से पूरे शहर में एक ही काठमंडी वाला फाटक रह गया और तो कोई ऐसी क्रॉसिंग छोड़ी नहीं जो आज अंडरपास ओवर ब्रिज ना बनी। आज हम बात करें हिसार के अंदर, पहले 3 ट्रेन आया करती थी, आज 50 से ज्यादा साप्ताहिक ट्रेनें आपके बीच में, ये व्यवस्था बनी। वहीं दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर दोहराया कि मौजूदा चयनी सरकार अल्पमत में है, इसलिए फ्लोर टेस्ट कराना जरूरी है। इशू है, क्यों बुलाई है, वो तो देखने की बात होगी, मगर इसका जवाब तो मुख्यमंत्री दे पाएंगे कि क्या अर्जेंसी, किस तरीके से विपक्ष का, किस तरह से आप लोग अब आगे कदम बढ़ाएं। देखो, हमने गवर्नर को लिख के दे दिया कि अल्पमत में सरकार है, फ्लोर टेस्ट करना चाहिए और इमरजेंसी रूल प्रदेश में लगाना चाहिए। सर, करें, एक परिवार से 3 कैंडिडेट हैं, इसके बारे में आप बताइए। तो कोई पहली बार नहीं हुआ, डवाली भी आमने सामने चुनाव लड़ा है, अहमदाबाद भी लड़ा है, बादल ने बठिंडा आमने सामने लड़ा था, आज शरद पवार जी के भी परिवार के सदस्य आमने सामने लड़ रहे हैं। तो जनता ने तय करना है और जनमत वोट की ताकत से मुझे लगता है तय करेगा कि कौन बेहतर। मैडम, लोकसभा चुनाव में नैना चौटाला जी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या मानते हैं? मैं मानता हूं कि उन्होंने 2 टर्म विधानसभा के मेंबर के तौर पर जो काम किया है, और जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के उत्थान में काम किया, जनता उस पक्ष में वोट। विधानसभा में आपका 5100 रुपए पेंशन का मुद्दा था, इस बार भी लोकसभा में कंटिन्यू रहेगा? तो हमने 3000 देश में सबसे ज्यादा तो पेंशन को पहुंचाया है और मैं मानता हूं कि अगर पूर्ण बहुमत होता हमारा तो हम पहले दिन 5100 करते, और आने वाले टाइम में बिल्कुल हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसको पूरा करें। बता दें कि दुष्यंत चौटाला 2014 में इनेलो के टिकट पर हिसार से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। हालांकि 2019 में उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में 2024 में क्या नैना चौटाला वापस ये सीट परिवार के पास ला पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।